आज महकमा एजुकेशन की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी की तरफ से भी एक ऑर्डर जारी हुआ था कि आज 31/5/2023 में हर गाइडेंस सेंटर इंचार्ज जो है कि एक रैली इनेकाद करेगा जिसमें वो अपने फीडिंग के तमाम स्कूलों के उसातिज़ाए कराम और बच्चों को मदू करेगा। और वैसे ही आज हमने एक छोटी सी गुजारशात पर मेरे तमाम कम्प्लेक्स के आए हुए तमाम उसातिज़ाए कराम और बच्चों ने आज की इस रैली में हिस्सा लिया। और आज की इस रैली का मकसद और गर्ज़ो ग़ाय़ ये थी कि एंटी ड्रग्स के हवाले से एक प्रोग्राम रखा हुआ था जिसमें हमारे उसातिज़ाए कराम और बच्चों ने मिलकर कम्प्लेक्स GMS से बराछड़ से निकाल कर बराछड़ और लोलबेला के पूरी मार्केट में और हर एक तक ये पैगाम दिया कि नशा एक खराब लानत है। इस लानत से हमने खुद को भी, अपने समाज को, अपने बच्चों को, आने वाले नस्लों को बचाना है। इस हवाले से हमारे तमाम दूसरे उसातिज़ाए कराम ने भी इस पर अलग अलग तरीके से रोशनी निकाली और इस मुहिम के खिलाफ हमने आज जो अपना पैगाम जो है हर खास आम तक पहुँचाया। थोड़ा आगे जाके रोक ले, थोड़ा मुमताज साहब आगे आगे कर जान दो गाड़ी। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें ये बताया गया कि आज एक रैली इनेकाद करनी है गाइडेंस सेंटर्स लेवल पर जिस पर आज एंटी ड्रग्स के हवाले से बच्चों को बताना है और जनरल पब्लिक, पेरेंट्स, एवरी मेंबर ऑफ ए सोसाइटी टू अवेयर अबाउट इट एंटी ड्रग्स के ड्रग्स के हवाले से बताना कि एक ऐसा नशा, एक ऐसी लानत हमारे बच्चों में फैलती जा रही है जिससे हमारे बच्चे, हमारे नस्लें बर्बाद होने जा रही हैं। आज आपको पता है कि गाइडेंस सेंटर में हमारे तमाम आए हुए कम्प्लेक्स के फीडिंग स्कूल्स के उसातिज़ाए इकराम ने, बच्चों ने मिलकर एक रैली निकाली। इस रैली का मकसद यही था कि हमने ये नशे मुक्त अभियान के तहत जो रैली निकाली है, आज के रैली से एक पैगाम अपने तमाम उन बुजुर्गों तक, बच्चों तक, माओ बहनों तक पहुंचाना है कि हम
मेरे असातिज़ा इकराम और यहाँ पे मार्केट में तशरीफ फरमा हमारे दुकानदार हजरात। जैसा कि हमने अभी आपको गाइडेंस सेंटर में ये बखूबी समझाया है कि नशे के मुज़र असरात क्या है और इससे क्या क्या हमारे नुकसान हो रहे हैं। कीमती जाने चली जाती हैं, लोग बीमारी में मुबतला हो जाते हैं। तो इसी तरह से हर साल खाली एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि हर सरकारी महकमा एनजीओ ये कोशिश करती है कि इस नशा की लानत से लोगों को बचाया जाए, लोगों को समझाया जाए कि नशे से क्या क्या नुकसान होते हैं। एक तो मैंने नशा आपको पहले कहा बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तंबाकू, तो दूसरा जो है हैवी ड्रग्स का जो इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लोगों की जानें सपाट पर चली जाती है। सिगरेट बीड़ी गुटखा खाने वाले तो 10-20 साल 30 साल लड़के रहते हैं लेकिन ड्रग से अचानक अमवात हो रही है। आप देखते हैं जी फलाने होटल में कोई बंदा रात को सोया था, सुबह पता चला कि मरा हुआ है। कोई गोली खाता है नशे की, कोई टीका लगाता है, तरह तरह के नशे जो आजकल हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए आपको सोसाइटी के अंदर जाके अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, सबको बताना है कि नशा एक लानत है, नशे से इंसान जलील ख्वार हो जाता है और खास करके ये जो ड्रग्स जो हैवी ड्रग्स जो लेते हैं या उसका कारोबार करते हैं तो उससे हमारे मुल्क, हमारे देश, हमारे समाज को खतरा है। एंड अदर सोसाइटी मेंबर्स ऑफ द पंचायत लोहिल बेला एंड बराछर एंड माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मुझसे पहले यूसुफ सर और तारक सर ने आपको इस बारे में बता ही दिया कि आज की इस रैली करने का मकसद क्या है, इसकी आकर हमें नौबत क्या आई कि इस चीज को हम सड़कों पे आके लोगों के सामने इस रैली को निकाले। ये हम अपने स्कूल के बंद कमरों में भी निकाल सकते थे क्योंकि अगर हमारा खाली मकसद ये होता कि पैगाम पहुंचाना, वो हम अपने स्कूल के कमरे के अंदर भी इस रैली को कर सकते थे। लेकिन बालाए हुकाम के हुक्मनामे पर अमल करते हुए हमारे वर्दी जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर मोहम्मद लतीफ खान साहब ने रात को एक सर्कुलर जारी किया कि आपने कल की डेट में एंटी ड्रग्स रैली जो है वो अपने गाइडेंस सेंटर्स में निकालनी है। इसका मेन मकसद ताकि हम जितने भी यहाँ पे पूरी एक सोसाइटी है जो इस बारे में अभी अवेयर नहीं है कि ड्रग्स का जो इतना रुझान चल रहा है इसमें हमारी कितनी कीमती जानें जो है वो दिन ब दिन जाया हो रही है, तो कई घरों के चिराग बुझते हैं और जो है ये हमारे मुल्क को भी कमजोर करता है। इसीलिए आज की ये रैली निकालने का हमारा मकसद है। आप तमाम हजरात का, खास करके जितने भी हमारे एडजॉइनिंग स्कूल से आए हुए एचओआई साहिबान हैं या हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग स्कूलों से और खास करके जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे ये तिजारत पेशा लोग हैं, इन्होंने भी अपना वक्त निकाल कर हमारे साथ शमूलियत की। इन तमाम का एक बार मैं अपनी तरफ से और अपने कम्प्लेक्स के इंचार्ज की तरफ से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम। कम्प्लेक्स के आए हुए तमाम फीलिंग से उस्तादा इकराम आए, मैं उनका और उनके साथ जितने भी बच्चे आए उनका तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस रैली को कामयाब किया है। मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से बहेंगे कम्प्लेक्स इंचार्ज तमाम उस्तादा इकराम का और तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया।